students, welcome to Gyan Ganga Vidyalay online class. Today we will learn standard workbook unit 1 chapter 2 wonderful waste. Okay, इस chapter का textbook का explanation का video तो हमारा हो गया था, हमने आपको भेज दिया था. I hope आपने वो देख लिया हो, वीडियो को देख लिया है, और आपका जो भी टेक्स्ट बुक में लेसन था वो आपने कर लिया होगा, है ना बच्चों. और आज मैं आपको उसी चैप्टर के वर्क बुक से एक्सप्लेन करवाती हूँ. सो बच्चों, और एक बात, आपके पास अगर वर्क बुक नहीं है अभी तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को तो पहले अच्छे से केयरफुली देखना है, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनोगे तो. और फिर उसको नोटबुक में लिखना है क्वेश्चन आंसर के साथ, मतलब पहले क्वेश्चन लिखना है फिर आपको नीचे आंसर लिखना है अच्छे से एकदम क्लीन राइटिंग में. और अगर आपके पास वर्कबुक है, आपने ले लिया है, तो आप सिर्फ वर्कबुक में लिखो और नहीं तो नोटबुक में लिखो. पर वर्कबुक एंड नोटबुक दोनों में नहीं लिखना है, ठीक है. वर्कबुक है तो वर्कबुक में या नोटबुक, ऐसे दोनों में नहीं लिखना है, एक ही में ही लिखना है, ठीक है. सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं. सो पहले है, फर्स्ट में है क्या है, आंसर द क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेयर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, मतलब पैलेस में आपने तो पढ़ा ही है स्टोरी में क्या था, महाराजा जो था वो अपने कुक को खाना बनाने के लिए कहा था, और जो वेस्ट वेजिटेबल्स का जो वेस्ट मतलब फेंक देते हैं ना, जो हिस्सा हम फेंक देते हैं, उससे क्या कहा था महाराजा ने कि वो क्यों फेंकना है, उससे भी कुछ डिश बनाओ, ऐसे स्टोरी था, है ना. और उस महाराजा का जो कुक था, रसोई जो करते थे, वो क्या कर क्या था, उन्होंने वो वेस्ट से मतलब वेजिटेबल का जो वेस्ट है हिस्सा जो हम फेंक देते हैं छिलका वगैरह, उससे वो अच्छे से एकदम डिश बनाता है ना, उसका नाम क्या था आपको तो पता ही है ना. तो चलो हम देखते हैं, तो क्या मतलब प्रिपरेशन हो रहा था. द आंसर आएगा द प्रिपरेशंस इन द पैलेस वेयर फॉर अ ग्रैंड डिनर, एक डिनर का बड़ा सा एक डिनर का तैयारी हो रहा था, प्रिपरेशंस चल रहा था पैलेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन टू, व्हाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून. महाराजा जो था, किंग जो था, तो उन्होंने किचन में दोपहर को क्यों गया था. तो आंसर क्या आएगा, इन द आफ्टरनून द महाराजा वेंट इन टू द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. उन्होंने ये देखने के लिए गया था, वो सर्वे करने के लिए गया था महाराजा ने किचन में कि ये क्या डिशेस बना है, बन रहा है, मतलब ठीक है, डिनर के लिए, रात के ग्रैंड डिनर के लिए क्या डिशेस, क्या तैयारी हो रहा था, ओके, किचन में. नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, व्हाट डिड द महाराजा सी इन द किचन. महाराजा जब किचन में गया था तब उन्होंने क्या देखा. द महाराजा सॉ अ बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स क्रैप्स इन द किचन. महाराजा ने देखा था कि बास्केट जो होता ना, जैसे डस्टबिन, ऐसे बास्केट में वेजिटेबल्स का जो स्क्रैप है, छिलका जो है, वो ऐसे उसमें पड़ा था. ओके, मतलब उनका जो कुक था वो वेजिटेबल स्क्रैप को यानी छिलका निकाल के वो जो छिलका बास्केट में रख दिया था, ये महाराजा ने देखा था किचन में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स. महाराजा का जो कुक था, रसोई महाराज जो था, जो महाराजा के लिए खाना बनाते थे पैलेस के लिए, तो उन्होंने वेजिटेबल स्क्रैप्स से क्या बनना था, वो क्या प्लान किया था. द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स. उन्होंने ऐसा प्लान किया था कि इस वेजिटेबल स्क्रैप्स को हम दूर रखें, यानी फेंक दें, है ना. तो व्हाट डिड द महाराजा ऑर्डर द कुक टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स. तो महाराजा का जो कुक था, उन्होंने यही प्लान किया था कि वेजिटेबल्स का छिलका निकल के, हम तो वेजिटेबल्स का ही खाना बनाते हैं ना, और उसका छिलका जो हम फेंक देते हैं, तो वही कुक ने सोचा था कि इसीलिए रखा था वहाँ पे बास्केट में कि वहाँ पे छिलका हम रखते हैं, अभी बाद में उसको फेंक देंगे, दूर फेंक देंगे. तो ये महाराजा ने देखा था, और उन्होंने क्या ऑर्डर किया था कुक को कि इस वेजिटेबल स्क्रैप से क्या मतलब कहा था कि वेजिटेबल स्क्रैप से कुछ करना है. तो द आंसर,
The Maharaja ordered the cook to not waste the vegetable scraps and find a way to use them. महाराजा ने कुक को ये ऑर्डर किया था, आदेश दिया था कि इस वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, हमें इससे भी कुछ ऐसा डिश बनाओ, सोचो इससे भी कुछ आइटम बनाना है, ठीक है, तो इसको फेंकना नहीं है, है ना, वेस्ट नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट डिड द कुक डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स. तो फिर कुक ने वेजिटेबल स्क्रैप्स से क्या बनाया था. द कुक प्रिपेयर अ न्यू डिश विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स एंड सर्व इट टू द गेस्ट. फिर कुक ने उस वेजिटेबल स्क्रैप से अच्छा सा न्यू डिश बनाया था, है ना, उसको छिलका डाल के तेल मसाला डाल के उसमें एकदम मस्त डिश बना दिया था और गेस्ट को सर्व किया था. जो महाराजा का जो गेस्ट आए थे ना, मेहमान आए थे, उनको सर्व किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट कुक नेम द न्यू डिश. अब जो कुक ने जो डिश बनाया था अभी न्यू डिश, जो वेजिटेबल्स, उस डिश का नेम क्या था, आपने तो पढ़ा ही है टेक्स्ट बुक में, और ये सभी जो क्वेश्चन है ना, ये भी टेक्स्ट बुक में है. तो द कुक नेम्ड द न्यू डिश एवल. उस डिश का नेम क्या था, एवल, है ना, वो कहाँ का था, केरला का एक फेमस डिश था, है ना, आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था एवल, है ना, तो तब से वो वहाँ का फेवरेट डिश हो गया, फेमस डिश बन गया था. ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस आंसर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन आंसर. आपको क्या करना है, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, और आंसर को भी रीड करके आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. नंबर 1, द महाराजा वेंट इन टू द किचन टू. तो महाराजा कब गया था किचन में, हैव डिनर, हैव लंच, प्रिपेयर द डिशेस फॉर द फीस्ट, या सर्वे द डिशेस मेड फॉर द फीस्ट. तो वो ये देखने के लिए गया था, ऐसे ही सर्वे करने के लिए गया था कि क्या क्या डिशेस किचन में बन रहा है, तैयारी हो रहा है. तो डी आंसर क्या आएगा, डी, सर्वे द डिशेस मेड फॉर द फीस्ट. सर्वे करने के लिए गया था महाराजा ने, डिशेस को चेक करने के लिए कि क्या बना था. नेक्स्ट 2, द महाराजा सॉ अ बास्केट ऑफ. तो आंसर ऑप्शन है अ वेजिटेबल स्क्रैप्स, वी वेजिटेबल्स, सी फ्रूट्स, डी ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक. तो क्या आएगा, वेजिटेबल स्क्रैप्स, मतलब महाराजा ने क्या देखा बास्केट में, वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी छिलका, या वेजिटेबल्स को देखा, या फ्रूट्स देखा, या ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, जो है ग्रीन चिलीज यानी मिर्ची और गार्लिक यानी लहसुन, है ना, तो क्या देखा, वेजिटेबल स्क्रैप्स. नेक्स्ट 3, द कुक हैड प्लान टू. तो कुक ने क्या प्लान किया था, यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स, गिव द वेजिटेबल स्क्रैप्स टू द पुअर, थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, या टेक द वेजिटेबल स्क्रैप्स होम. तो उन्होंने क्या प्लान किया था, इस वेजिटेबल स्क्रैप्स को क्या करना था, तो उन्होंने यूज़ करना था, उन्होंने सोचा कि यूज़ करना है, या किसी गरीब को दे देना है, या दूर फेंक देना है, या घर में लेके जाना था. तो उन्होंने तो यही सोचा था ना कुक ने, कि हमें वेजिटेबल स्क्रैप्स को दूर फेंकना था, तो सी, थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द महाराजा ऑर्डर द कुक टू. महाराजा ने क्या ऑर्डर किया था कुक को, ए ऑप्शन ए, थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, फाइंड अ वे टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स, गिव द वेजिटेबल स्क्रैप्स टू द पुअर, या सर्वे द वेजिटेबल स्क्रैप्स टू द गेस्ट. तो उन्होंने क्या मतलब ऑर्डर किया था, कि इसको फेंक दो, या उसका कुछ यूज़ करो, या किसी गरीब को दे दो, या गेस्ट को ऐसे सर्व कर दो, ऐसा ऑर्डर किया था महाराजा ने. तो क्या ऑर्डर किया था, बी ऑप्शन बी, फाइंड अ वे टू यूज़ द वेजिटेबल स्क्रैप्स, इससे कुछ डिश के लिए यूज़ करो, है ना, कुछ नए डिश के लिए सोचो और देखो इससे कुछ डिश बनता है कि नहीं. नंबर 5, द कुक प्रिपेयर्ड अ न्यू डिश कॉल्ड. तो इस कुक जो बनाया था महाराजा के कुक ने इस वेजिटेबल स्क्रैप से, तो उस डिश का नेम क्या था, ए अवल, या एवल, या डोसा, या चटनी. तो क्या आएगा, ए एवल. ओके, तो यहाँ पे 2 राइट द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्या है, 3 में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू होगा तो ट्रू लिखना है, फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखना है, ये तो आपको पता ही है.
नंबर वन में द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। किंग ने रात के डिनर के लिए ऑर्डर किया था, है ना, ऑर्डर तो किया था कुक को खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेहमान आने वाले थे पैलेस में, गेस्ट आने वाले थे, इसलिए बहुत ग्रैंड डिनर के तैयारी हो रहा था और ये किंग ने ऑर्डर किया था। हाँ, टू। नंबर टू, नो वन हैड हर्ड ऑफ हर्ट ऑफ और टेस्टेड एवियल बिफोर। मतलब एवियल बनने से पहले ये नाम या ये डिश कोई खाया था या सुना था? नो, ट्रू, क्योंकि किसी को वो पता नहीं था, है ना, ये डिश कुछ था ही नहीं था ऐसा कोई डिश। वो तो महाराजा ने ऑर्डर किया था कि इस डिश को, इस वेजिटेबल्स को आपको फेंकना नहीं था, ठीक है, इसको इसका कुछ यूज़ करना है, तो कुक ने ऐसा मसाला डाल के उसका डिश बना दिया था, है ना, तो ट्रू। नंबर थ्री, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। मतलब कुक का कुछ प्लान था इसे कुछ अनदर डिश बनाने के लिए इस वेजिटेबल स्क्रैप्स को पहले से। सो नो, पहले से कुक का कुछ प्लान नहीं था, है ना, वो तो फेंकना चाहता था, वो तो महाराजा ने देखा था, महाराजा ने आके किचन में, तो ही महाराजा ने ऑर्डर किया था तभी कुक ने बनाया था, तो उसका पहले से ऐसा कोई मतलब डिश बनाने का यूजिंग करने का इरादा नहीं था, प्लान नहीं था, तो फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, राइट द मीनिंग्स है ऑफ द वर्ड्स। मीनिंग्स तो आपने पहले ही पढ़ा है टेक्स्ट बुक में, है ना, पढ़ लिया है, और देखते हैं अभी। नंबर वन में ग्रैंड है, ग्रैंड का मीनिंग्स क्या है, वेरी वीक, बड़ा सा, है ना। टू, सर्वे, सर्वे यानी ऐसे इंस्पेक्शन करने, है ना, इंस्पेक्ट, ऐसे इंस्पेक्ट करने आता है ना, इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ना वो, सर्वे करना। थ्री, टू कमांड, कमांड यानी ऑर्डर यानी आदेश देना। स्ट्रेनली, स्ट्रेनली यानी स्ट्रिक्टली, एकदम करेक्टली। इन अ फिक्स, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एकदम बहुत ही हार्ड सिचुएशन होता है ना, एकदम कठिन अवस्था उस टाइम में। टू स्टेयर यानी टू लुक एट, देखना। टेम्पटिंग, टेम्पटिंग यानी अट्रैक्टिव, है ना, आकर्षणीय। एगर यानी कीन। कम टू वंस माइंड यानी टू थिंक ऑफ यानी सोचना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वर्कबुक का ये चैप्टर वंडरफुल वेस्ट कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को आपको क्या करना है, पहले तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, ध्यान से सुनना है, और फिर आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, ठीक है। और पहले भी मैंने कहा, वर्कबुक हो तो वर्कबुक में लिखो, वरना किसमें लिखना है आपको, नोटबुक में लिखना है, ओके। सो अभी देखो बच्चों, कोरोना चल रहे है ना, तो अभी क्या है, क्या करना है आपको, घर से नहीं निकलना है ना, तो आपको घर में रहना है, घर से आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से जो भी टीचर आपको लेसन देते हैं वो लेसन आपको कंप्लीट करना है, हर रोज़ का लेसन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, ओके, एंड स्टे हैप्पी, ओके, थैंक यू।